स्टूडेंट्स हम लोग 6.5 पे और क्वेश्चन नंबर है 25। क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 5, टू ऑफ इट्स वर्टेक्स आर 2, 1 एंड 3, -2। द थर्ड वर्टेक्स लाई ऑन द वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। चलिए हम लोग एक ट्रायंगल पहले ले लेते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया हमारे पास 5 स्क्वायर यूनिट दिया है, ए बी सी। ए का ए जो वर्टेक्स है इसका कोऑर्डिनेट हम 2, 1 ले लेते हैं, बी को हम लोग 3, -2 ले लेते हैं, और सी जो है लाई कर रहा है इस इक्वेशन पे। सी जो है ये लाई कर रहा है इस इक्वेशन पे, कौन सा इक्वेशन है, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3, इस लाइन वाले इक्वेशन पे लाई कर रहा है। तो यहाँ सी का कोऑर्डिनेट हमें एक्स वाई लेना होगा ना जी, एक्स वाई लेना होगा। यानी आप एक्स लेते हो तो वाई के प्लेस पर एक्स प्लस 3 लिख सकते हैं कि नहीं। आप एक्स वाई ले रहे हो तो आप एक काम करो, एक्स लिख दो और y के प्लेस पे क्या लिख दोगे, x प्लस 3। बात को समझे ना क्यों ऐसा लिख रहे हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। हमें इसी का ही कोऑर्डिनेट निकालना है, जबकि इसका एरिया दिया है 5 स्क्वायर यूनिट। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं, एरिया क्या है, 5 स्क्वायर यूनिट्स है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं कि लेट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 1, बी जिसका कोऑर्डिनेट है 3, -2 एंड सी जिसका कोऑर्डिनेट है x, x+3 आर द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, है ना। और इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या दिया हुआ है जी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 5 स्क्वायर यूनिट्स दिया है। तो हम लोग एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला होता है जी, 1/2 x1 इंटू y2 -y3 प्लस x2 इंटू में y3 -y1 प्लस x3 इंटू में y1 -y2 इक्वल टू में 5 प्लस माइनस दोनों देंगे, क्योंकि एरिया है तो प्लस माइनस दोनों देना होगा। तो आप क्या करना है, इसमें एक को x1 y1 सपोज कर लेना, ये आपका x2 y2 हो गया और ये वाला x3 y3 हो गया। अब इस फॉर्मूले में हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, ये 1/2 जो है यहाँ देख रहे हैं इधर चला जाएगा, तो ये 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस माइनस 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, x1 2 इंटू y2 -y3 यानी -2 का x -3, x2 यहाँ x2 की जगह पे है 3, y3 -y1 यानी कि x+3 -y1 के प्लेस पे है 1, प्लस x3 यानी x3 क्या है आपका, x है ठीक है, और इंटू में y1 -y2 यानी कि 1 -2 तो +2 इक्वल टू में +-10 हो जाएगा। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, 2 इंटू में -5 -x प्लस 3 इंटू में x प्लस का 2 और x इंटू में 3 इक्वल टू में +-10। चलिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस का टेन और -2x +3x +6 और +3x इक्वल टू +-10। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ देखिए 3, 3, 6, 6 में से 2 के 4x और यहाँ -4 इक्वल टू में +-10। अलग अलग कर देते हैं, पहले इसको उधर भेज दो तो 4x इक्वल टू में हो जाएगा 4 + -10, यहाँ पे लिख सकते हैं 4x इक्वल टू में 4 + 10 और 4x इक्वल टू में 4 - 10। अब इसके बाद देखते हैं आगे, 4x इक्वल टू में 14 यानी x इक्वल टू में 14/4 ये कट जाएगा 7/2 आ जाएगा, x का वैल्यू यहाँ 7/2। अच्छा दूसरे वाले से 4x इक्वल टू में -6 यानी x इक्वल टू में -6/4 2 और यहाँ 3 तो x का वैल्यू आ जाएगा -3/2। तो हमारे पास y इक्वल टू में दिया है x+3, तो इफ x इक्वल टू में 7/2 है तो यहाँ से y इक्वल टू में हो जाएगा 7/2 प्लस का 3 यानी एलसीएम लेके इसे ऐड कर देते हैं, एलसीएम होगा 2, 7 + 6 यानी कि 13/2। इफ x इक्वल टू में -3/2 तो y इक्वल टू में हो जाएगा -3/2 + 3, एलसीएम ले लेते हैं 2, यहाँ आ जाएगा -3 + 6 यानी आ जाएगा यहाँ पे 3/2। तो देयरफोर जो थर्ड वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो x का 7/2, y का 13/2 और
एक्स का माइनस थ्री बाई टू, वाई का थ्री बाई टू। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर